नमस्कार दोस्तों, मणिपुर में दो आदिवासी महिलाओं से दुष्कर्म और नग्न वीडियो बनाने की घटना से पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया। सदन में भी इसको लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इस पर मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी का कहना है कि उन्हें इस घटना के बारे में सुनकर क्रोध आ रहा है और आश्वासन दे रहे हैं कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव का गुस्सा भी फूट पड़ा है। अखिलेश ने मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मणिपुर के हालात के लिए आरएसएस की नफरत की नीति और भाजपा की वोट की राजनीति जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि बहन बेटियों के परिजन अब तो भाजपा की ओर देखने तक से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। वहीं इस पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करके भाजपा पर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाते हुए कहा है कि मणिपुर में कुकी आदिवासी महिलाओं को नग्न कर जो अमानवीय और बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है अत्यंत शर्मनाक व दर्दनाक व निंदनीय है। क्या यही है राम राज्य का नंगा सच? बता दें कि सोशल मीडिया पर मणिपुर में महिलाओं से अभद्रता का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। घटना इतनी विभत्स है कि इससे जुड़ा जो वीडियो है वो हम आपको यहां पर दिखा भी नहीं सकते। हालांकि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन सीएम बीरेन्द्र से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है, जिस पर अब तक वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।